तो देखिए, एक तरफ जम्मू कश्मीर में जहां आतंकियों और उनके मददगारों पर प्रहार जारी है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला, जिनका विवादित बयान एक बार फिर सामने आया। ऐसा लगता है कि विवादित बयान देने में फारूक अब्दुल्ला ने महारत हासिल कर ली है। अब बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने देश विरोधी बयान दिया है, उन्होंने भारतीय सेना की निष्ठा पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मिले हुए हैं हमारी बर्बादी के लिए, मिले हुए हैं। सुना आपने, ये हैं फारूक अब्दुल्ला, सियासत का ऐसा नाम जो बार बार पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान से दोस्ती का राग अलापते हैं, आतंक को पालने पोसने वाले आतंकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का संदेश देते हैं। लेकिन इस बार फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दे दिया जो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इतनी बोझ है हमारे बॉर्डर पर, मैं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी बोझ नहीं। फिर ये लोग कैसे आ रहे हैं? अनंतनाग एनकाउंटर के बाद फारूक ने यह शर्मनाक बयान दिया और इस बार सवाल सेना के शौर्य पर खड़े कर दिए। पाकिस्तान से फारूक का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर सवाल खड़े करने की जगह फारूक ने सेना के शौर्य पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात देश की सीमा पर डटे रहते हैं, उन पर सवाल खड़े करना फारूक की मंशा को दर्शाता है। आज भी इनका ये कहना कि हमारी सेना मिलिटेंट के साथ मिली हुई है, तभी बॉर्डर से घुसपैठ होती है, उनको इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेहद ही सीनियर राजनेता है और उनकी तरफ से इस तरह का भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाना हमें लगता है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। जब उनके इस बयान पर बवाल हुआ, मांग माफी मांगने की उठी, तो उन्होंने अपने बयान के लिए माफी तो दूर, खुद सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने गलत क्या कहा। मुझे हैरानी है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किसने किया है, क्या है कंट्रोवर्शियल इसमें? आपने कहा है कि सब मिले हुए हैं, थोड़ा सा उसके मिले हुए क्या है? भारत के खिलाफ बार बार साजिश रचने वाले पाकिस्तान से भला फारूक को इतनी हमदर्दी क्यों है, इतनी मोहब्बत क्यों है? फारूक क्यों पाकिस्तान के प्रवक्ता बने फिरते हैं? सेना पर सवाल खड़े करने के पीछे आखिर फारूक की मंशा क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि ये पहली बार नहीं है जब फारूक अब्दुल्ला ने इस तरीके का बयान दिया हो। बिल्कुल, तो अब तक क्या क्या विवादित बयान फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए हैं वो आपको सुनवाते हैं। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं, ये भी याद रखे, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। लोग मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, रोज आप अखबार देख लीजिए। है कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने का, और बातचीत के सिवा मैं नहीं समझता हूं। जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा। जब तक आप हमारे पड़ोसी देशों से बातचीत करके मामला हल नहीं करेंगे, अमर नहीं आएगा। कहा, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ईरान और इसराइल की। जहां एक तरफ देखिए ईरान और इसराइल के बीच तनाव बना हुआ है, तो दूसरी तरफ अब चीन ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिससे खतरा मंडराने लगा है विश्व युद्ध का। बिल्कुल, और एक तरफ जहां इसराइल को अमेरिका का साथ मिला है, तो वहीं चीन ने ईरान की मदद करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ड्रैगन की ये चाल दुनिया भर में विश्व युद्ध की आग कैसे भड़का सकती है, रिपोर्ट देखिए। युद्ध के टीले पर विश्व, अब अमेरिका वर्सेस चीन महायुद्ध। बर्बादी का सिकल लॉक, अमेरिका चीन ने बढ़ाया तनाव।
जिस महायुद्ध की आग से ईरान को बचाने के लिए ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान तक ने अपना जोर लगा दिया। मिडिल ईस्ट में उस महातबाही का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है और इस बार महायुद्ध की आग भड़का रहा है एशिया का महाशक्तिशाली ड्रैगन। ये तय हो गया कि किसी भी वक्त बच सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन, जिसमें सबसे बड़ा रोल निभाएगा अमेरिका और चीन। जी हाँ, मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव के बीच एक तरफ जहां अमेरिका पहले से ही इजराइल के पक्ष में सीना तान कर खड़ा है, तो वहीं अब चीन भी ईरान के साथ आ गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीते रविवार को ईरान के नए विदेश मंत्री अली बाघेरी कनी से फोन पर बातचीत की और हर स्थिति में ईरान का साथ देने का वादा कर दिया। चीन के विदेश मंत्री ने कहा, चीनी कानून के मुताबिक अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों में ईरान का समर्थन करता है और चीन ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए हर स्थिति में ईरान के साथ तैयार खड़ा है। ऐसे वक्त में जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है और ईरान हमास चीफ इस्माइल खानिया की मौत का बदला लेने के लिए कसम खा चुका है, चीन के इस भड़काऊ बयान को लेकर एक बार फिर से दुनिया में तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि चीन का साथ मिलने से अब ईरान पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ जंग की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गया है और उसने ईरान समर्थित आतंकी संगठनों को भी इजराइल पर हमले की खुली छूट दे दी है, जिसके बाद हिजबुल्ला ने इजराइल के खिलाफ एक बार फिर हमले की शुरुआत कर दी है। हिजबुल्ला ने दावा किया कि रविवार को उसने इसी कड़ी में इजरायली शहर के करीब इजराइल के बनाए गए नए सैन्य ठिकानों पर 20-30 रॉकेट से हमला किया, जिसमें इजराइल का सैनिक ठिकाना पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हालांकि हिजबुल्ला के इस दावे को लेकर इजराइल ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि चीन का साथ मिलने से ईरान और हिजबुल्ला हुती जैसे संगठनों की हिम्मत एक बार फिर बढ़ गई है और अब ईरान अपने सभी हमदर्दों के साथ मिलकर किसी भी वक्त इजराइल पर चौतरफा हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, चीन की तरफ से जो ये ऐलान किया गया है कि वो ईरान का साथ देगा, इसके बाद अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो है आशंका, जो संभावना है वो जाग उठी है। देखिए, दुनिया भर में चीन जो है युद्ध थोप रहा है। कैसे? ईरान इजराइल तनाव के बीच अब चीन जो है वो कूद पड़ा है, जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा, जो तनाव है शी जिनपिंग बढ़ा रहे हैं। और बयान देखिए विदेश मंत्री की तरफ से सामने आया है, चीनी विदेश मंत्री ने ईरान पर बयान दिया और ये कहा कि ईरान का साथ दिया जाएगा, ईरान का साथ देने को तैयार है, ये कहा गया विदेश मंत्री की तरफ से। चीन के भरोसे के बाद हिजबुल्ला का हमला अब इजराइल पर तेज हो चुका है, हिजबुल्ला ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। इसके अलावा बता दें कि चीन के कदम से अब विश्व युद्ध जो है वो भड़क सकता है। आगे क्या होगा ये देखना काफी अहम होने वाला है, क्योंकि चीन के इस कदम के बाद जो है विश्व युद्ध हो सकता है, इसकी भी संभावना लगातार होने लगी है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं आपदा के उस संदेश की जो मिल रहे हैं लगातार, उन संकेतों की जो तस्वीरों के जरिए सामने आ रहे हैं। दरअसल दुनिया भर की जो तस्वीरें हैं वो डरा रही हैं, क्योंकि बाढ़ और भारी बारिश की चपेट में कई इलाके हैं और उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, यातायात व्यवस्था ठप बताई जा रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्या कुछ वहां पर हालात है। तो देखिए, दुनिया भर में बाढ़ और बारिश से हाहाकार, आप तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्या हालात, क्या स्थिति। सबसे पहले चाइना के बीजिंग से तस्वीर सामने आई, देखिए तूफान के बाद जमकर बारिश वहां पर और सड़कों पर 1 मीटर तक पानी जम गया है। किस तरीके से राहगीरों को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तस्वीरों के जरिए आप हालात समझ सकते हैं। देखिए, जो बस है उन्हें आने जाने में काफी परेशानी हो रही है, जो टू व्हीलर लेकर निकलते हैं वो पानी के बीचों बीच में फंस जाते हैं, ये हालात इस कदर वहां पर बने हुए। तो चीन के बीजिंग की तस्वीर सामने आई है जहाँ तूफान और तूफान के बाद जमकर बारिश हुई, उसके बाद देखिए यहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, अब साउथ अफ्रीका की तस्वीर दिखाते हैं। माफी चाहूंगी,